हेलो फ्रेंड्स, मैं टिंपल आज लेके आई हूँ आपके लिए मानसून स्पेशल रोटी की रेसिपी। मींस मानसून में कुछ स्पेशल रोटी खाने का मन करता है। रेगुलर रोटी खा के आप अगर बोर हो गए हो तो इस मानसून में इस रोटी को आप ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए मैंने यहाँ मकई का आटा लिया है 3 कप लिया है, गेहूँ का आटा 1 कप लिया है, बेसन लिया है 1/2 कप और सूजी लिया है 1/4 कप। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर सकते हो। क्रिस्पी ज़्यादा रखना है तो सूजी की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हो या सूजी की जगह चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करके आप इस मिस्सी रोटी को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है हल्दी, मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाट मसाला थोड़ा सा, कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके आप इसमें डाल दो। रोस्टेड मैंने अजवाइन सीड्स लिया है, उसको भी थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अजवाइन आप कच्चा भी डाल सकते हो, मैं रोस्टेड रखती हूँ स्टोर करके, तो मैंने रोस्टेड यहाँ यूज़ किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दो। थोड़ा सा इसमें मैं चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो मैंने थोड़ा नहीं डाला, थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन की क्वांटिटी को कम करना है तो कर लो, मुझे इसमें ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाली है। बारीक कटिंग करके इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। ऐसे तो ये इतना कुछ काफ़ी है इसके लिए, बट मैं यहाँ पर अनियन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी अनियन को पसंद करते हो तो आप ज़रूर इसको डालना, क्योंकि इसके साथ बनाओगे तो इसका टेस्ट जो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया। प्याज यहाँ मैंने 1/4 कप डाला है, इसकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे कर सकते हो। फिर यहाँ पे हल्का गर्म पानी मैंने यूज़ किया है और थोड़ा थोड़ा करके डालना, इन्हें मिक्स करते रहना। अभी मैं चम्मच की सहायता से यहाँ मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा गर्म है पानी, बट बाद में इसे हाथ से ही गूंदना होगा, तभी डो जो है सही तरीके से रेडी होगा। अभी जितना पानी इसमें लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा डाल के चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। और अभी जो मानसून है, इस सीज़न में रेगुलर रोटी जो गेहूं की रोटियां बनती है वो खाने का मन नहीं करता लगातार, तो आप इस तरीके की एक हेल्दी रोटी, मिस्सी रोटी बना के खा सकते हो। और बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मकई का आटा थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वांटिटी होता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। आप इसके जगह मड़वे का आटे का भी यूज़ कर सकते हो, उसको भी मिक्स कर सकते हो। कोई भी हेल्दी बाजरे का आटा भी यूज़ कर सकते हो, अपने पसंद के कुछ कुछ आटे को इसमें मिक्स कर सकते हो। सभी को मैंने मिक्स कर लिया और थोड़ा सा हाथ में भी मैंने लिया है ऑयल और फिर से इसे कर रही हूँ नीड। ऑयल लेकर नीड करते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही चिकना और सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। तो बस इस तरीके का आटा रेडी होने के बाद 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट टाइम देना है। 30 मिनट रेस्ट टाइम होने के बाद आटा हो चुका है सेट और अब बनाते हैं इसके चपातियाँ। सूखे आटे की मदद से इसकी रोटियाँ बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा रोटियाँ पतली नहीं करनी है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसकी रोटियाँ। बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से ही तरीके से आप प्रेस करते जाओ और अपने पसंद के साइज़ का और मोटाई का रोटी आप रेडी कर सकते हो। बेलन का यूज़ करोगे तो और थोड़ा पतला कर सकते हो, बट देख लो बस ऐसे ही रखना है हमें, इतनी ही मोटी रोटी रखनी है। और थोड़ा सा इसको डस्ट जो है ऊपर से सूखा आटा उसे झाड़ लेते हैं और तवे में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ मैं मिट्टी के तवे का यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल लोहे का तवा, नॉन स्टिक तवा या रेगुलर रोटी बनाने के लिए जो भी तवा यूज़ करते हो उसका यूज़ कर सकते हो। मीन्स बहाने नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपके पास है उससे ये मिस्सी की रोटी बनाओ और आप ज़रूर इस मानसून में इंजॉय करो। जैसे कि आप देख रहे हो रोटियां बहुत अच्छी तरीके से सिक गई हैं। जैसे ही प्रेस करते करते सेक ले, जैसा आपको इसको हार्ड या सॉफ्ट रखना है उसके अकॉर्डिंग आप रोटियों को सेक लो। मैंने अलट पलट करके रोटियों को अच्छा कलर आने तक सेक लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब ये रेडी हो चुका है। आप चाहो तो ऐसे ही सूखा का पसंद करते हो तो सूखा ही खा लो, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो, वरना बटर के साथ ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, या फिर घी भी डाल सकते हो। सेकने की ज़रूरत नहीं है, बटर डाल के इसे पलटना नहीं है, बस जब इसे सर्व करना है तभी में रेडी हो चुका है। एक साइड बटर लगाना है और तवे से हटा देना है, पलट के सेकना बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही गर्मा गर्म रोटियां आप बनाओ, बटर या घी जो भी आपको पसंद है वो डालो और गर्मा गर्म इंजॉय करो। इसके साथ आप टमाटर की चटनी भी खा सकते हो या आलू बड़ी की झोल। मिलते हो अगली इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय।